रूस के कुर्स से लेकर यूक्रेन के खेरसों में जारी जंग की बड़ी खबरों का अपडेट रूस यूक्रेन टॉप 9 में। कुर्स में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर रूस ने क्लस्टर वेपन से अटैक किया। शहर से 20 किलोमीटर दूर यूक्रेनी काफिले को टारगेट कर हमले किए गए। MLRS से आग लगाने वाले क्लस्टर रॉकेट दागे गए। कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा है। कुर्स से यूक्रेनी घुसपैठ के खिलाफ रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए। K-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी हाइडआउट्स को निशाना बनाया गया। कुर्स्क बॉर्डर पर सुमी से सटे इलाकों में एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला हुआ। इस दौरान कई यूक्रेनी टैंक्स भी नष्ट किए जाने का दावा है। यूक्रेनी आर्मी ने रूस के वोरोनिश में बड़े हमले को अंजाम दिया। ड्रोन से किए गए अटैक में रूसी सेना का गोला बारूद गोदाम तहस नहस हो गया। यूक्रेनी बॉर्डर से वोरोनिश की दूरी 115 किलोमीटर है। कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में टॉस सिस्टम से रूस ने घातक हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अटैक का वीडियो जारी कर यूक्रेनी सेना के यूक्रेनी बेस को तहस नहस करने का दावा किया। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। वॉरजोन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने मशीन गन से फायरिंग कर रूसी ड्रोन को तबाह किया। MI-8 हेलीकॉप्टर से गोलीबारी कर रहे सैनिकों का वीडियो देखिए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने ये तस्वीरें जारी की। कुर्स्क में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हर दिन उसके 400 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। कुर्स्क में अभी तक 5000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत, जबकि 69 टैंक्स और 350 आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो चुके हैं। खेरसों में रूस की विध्वंसक बमबारी जारी है। उत्तरी निप्रो में यूक्रेनी बेस को टारगेट कर फैब 500 बॉम्ब से हमला हुआ। एक के बाद एक तीन भीषण विस्फोट हुए। एरियल बॉम्ब के धमाके से यूक्रेनी सेंटर पूरी तरह जमींदोज हो गया। खेरसों में नीपर नदी के डेल्टा क्षेत्र में बीती रात रूसी सेना का कोहराम देखने को मिला। यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर, वेपन स्टोर और मैन पावर क्लस्टर्स को टारगेट करके रॉकेट से हमला हुआ। ग्रेड MLRS से हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा है। कुर्स्क पर यूक्रेनी हमले का पुतिन बहुत बड़ा बदला ले सकते हैं। अमेरिका में रूसी राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने दावा किया है कि यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की रणनीति बन चुकी है। पुतिन और क्रेमलिन का प्लान यूक्रेन के लिए विध्वंसक हो सकता है।